हरिद्वार के कुंभ में साधु संतों के कई रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। कोई 50 किलो रुद्राक्ष अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं, तो किसी ने लगभग 20 सालों से दाढ़ी नहीं काटी है। मेरे साथ विक्रमपुरी जी महंत मौजूद हैं, मैं उन्हीं से जानता हूं कि आखिरकार दाढ़ी बढ़ाने का उद्देश्य क्या है और कब से ये कर रहे हैं। महाराज जी, ये बताएं कि कुंभ में हम तमाम साधु संतों को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, आपकी ये दाढ़ी जो है न केवल भक्तों के लिए बल्कि हमारे लिए भी कोतूहल का विषय है कि आखिरकार इतनी बड़ी दाढ़ी क्यों बढ़ाई गई है, कितनी मेहनत लगी है और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई मेहनत नहीं लगी है जी। ये केवल तपस्या का फल है माता रानी का है, जिनकी हम आराधना करते हैं, माँ चामुंडा की जी। ये उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से बढ़ रही है। इसमें कोई चीज़ नहीं लगाई जा रही है, ना ही कोई हमारा संकल्प है कि ये कितनी लंबी होगी और क्यों होगी। ये अपने आप बढ़ रही है भजन की तपस्या से, आशीर्वाद से, और कहाँ तक बढ़ेगी हमें नहीं पता, हमारे लिए तो अच्छी लग रही है। तो ये बताएं कि हम देखते हैं साधु संत जो हैं अपनी केशों को बढ़ाते हैं, उनके जटाएं लंबी लंबी होती हैं, तो आपने कब सोचा कि इस दाढ़ी को बढ़ाना है, कैसे मन में आया ये सब? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा कि बढ़ाना है या घटाना है। जब से हमारे ये दाढ़ी जमी है, जब से हमारा संस्कार हुआ, जब से ये चली आ रही है। कब साधु बने थे आप, कब नागा सन्यासी बने? 1994 में जूना अखाड़े से जुड़े थे और 2004 में हमारा दिगंबरी नागा संस्कार हुआ था, जब से ये दाढ़ी चली आ रही है, करीब 15-16 साल की आयु से। तो लोग आपको दाढ़ी वाले बाबा भी कहते हैं? जी हाँ, दाढ़ी वाले बाबा भी कहते हैं, तलवार वाले बाबा भी कहते हैं। तलवार वाले बाबा क्यों कहते हैं आप? तलवार लेके अपने क्षेत्र में हम अपने तलवार साथ लेके चलते हैं। कौन से क्षेत्र में? मुरादाबाद। मुरादाबाद जी। तो जब श्रद्धालु आते हैं तो मैंने देखा है आप दाढ़ी उनके सर पर या वो अपने माथे पर लगा के? हाँ, अगर उनकी इच्छा है, वो चाहते हैं कि हम आवा इसको छूना चाहते हैं, मस्तक स्थान। किस तरह से आप उनके सर पर इस दाढ़ी को रखते हैं? ये उनके सर पर नहीं रखते, वो अपने हाथ से जी। इस तरीका से वो अपने लगाते हैं अपने हाथ से जी। और हम उनको आशीर्वाद देते हैं और वो हमको अपने जो उनकी श्रद्धा होती है दान देते हैं, नहीं देते वो उनकी इच्छा है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, आप कुंभ की व्यवस्थाओं से खुश हैं? आपको क्या लग रहा है, आपने तमाम कुंभ देखे हैं आपने? देखिए, हमारे करीब 9-10 कुंभ कर लिए हमने अपने गुरुजी के चरणों में जी। ऐसी व्यवस्था जो यूपी के सरकार ने की थी 2019 में, ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई। और यहाँ तो क्या पूरा कम होने जा रहा है, व्यवस्था का कोई पता ही नहीं है, है? यहाँ बहुत ढीली व्यवस्था चल रही है हर तरफ से, व्यवस्था के बारे महंत में तो जी 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 जो व्यवस्था हमारी योगी सरकार ने यूपी में कर दी थी, वो शायद कोई ना कर पाए ना करे, साधुओं के लिए खुश नहीं है। सरकार की व्यवस्था से खुश नहीं है, हमारी जो की व्यवस्था अखाड़े की व्यवस्था है सरकार ने क्या अभी रोड डलवाना चाहे कह रहे थे, रोड भी नहीं, रोड धूल उड़ती है यहाँ, पानी छिड़कने वाला भी कोई नहीं है। टंकी 8 दिन हुए और हम पहली तारीख से यहाँ तंबू लगाए पड़े हैं, 8 दिन में टंकी आई है। तो ये हरिद्वार के जूना अखाड़ा में विक्रमपुरी जी महाराज हैं और दाढ़ी जो है इनका विशेष, ये कह सकते हैं, गहना है। और फिलहाल श्रद्धालु जब इनके पास आते हैं तो इस दाढ़ी के न केवल चरण स्पर्श करते हैं बल्कि ये भी आशीर्वाद देते हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात जो ये कह रहे हैं कि सरकार की व्यवस्था से साधु संत और नागा सन्यासी खुश नहीं है। कैमरामैन विशु के साथ किरण कांत शर्मा, ETV भारत, हरिद्वार।